जिंदगी से गरीबी खत्म करनी है, सोई हुई किस्मत को जगाना है, नेगेटिविटी से पीछा छुड़ाना है, भय को खत्म करना है। ऐसे में किन की पर्सनल चीजों का ना करें इस्तेमाल, धर्म ज्ञान पर बता रहे हैं राजपुरोहित मधुर जी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। तरक्की की राह में कई बार हमारी अपनी कुछ गलतियों के चलते रोड़े हम खुद ही बन जाते हैं। जी हाँ, आखिरकार दूसरों के किन चीज़ों का इस्तेमाल करने से हमारी तरक्की पर ग्रहण लग जाती है, या फिर यूँ कहें कि हमारी सफलता पर लोगों की बुरी नज़र लग जाती है। हमें वास्तुनुसार किन चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है जब हम किसी दूसरे की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी बात जान लें, क्या सच में ऐसा है? पहले ये समझे, वास्तु के नजरिए से बताएं। कविता जी, विशेषता अगर आप जीवन में जी किसी के द्वारा दी गई वस्तु का इस्तेमाल करते हैं और वो गिफ्टेड होती है जी, तब भी ध्यान देना होता है। अगर आप किसी की वस्तु, कोई वस्त्र हो या कोई भी चीज हो, अगर आप उसको ग्रहण करते हैं और फिर आपके जीवन में तमाम प्रकार की उन्नति के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसे खास करके जैसे अब मान लीजिए किसी भाई भाई में ही कोई वस्त्र धारण कर रहा है जी, या मान लीजिए बहनों में ही अपने वस्त्रों को धारण किया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में विवादास्पद परिस्थिति तो नहीं बनती, ना कि नकारात्मकता फैलती है, उसका कुछ कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन आप किसी के वस्त्रों का, किसी के यानी कि अपने गोत्र से अलग हट करके, यानी किसी मित्रवत या फिर ऐसे अनैतिक किसी भी वस्त्र को आप कहीं से भी लेकर के अगर धारण कर रहे हैं, तो वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उसमें वस्त्र भी हो सकते हैं, उसमें रुमाल भी हो सकती है, उसमें पर्स भी हो सकती है, उसमें दुपट्टे भी हो सकते हैं, उसमें चश्मा भी हो सकता है, उसमें घड़ी भी हो सकती है, आदि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप दूसरों का इस्तेमाल करने से आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो वो अनैतिक हो सकता है, यानी कि वो रुकावटें आ सकती हैं, अवरुद्ध हो सकता है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिनसे आप लोगों को बचना चाहिए जी। सबसे पहले मैं वस्त्रों को लेकर जानना चाहूंगी। जब हम दूसरों के कपड़े पहनते हैं और अपने इंटरव्यू के लिए जाते हैं, काम पे जाते हैं, और अगर हम दूसरे के रुमाल का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये कहीं ना कहीं हमारी तरक्की में अवरोध पैदा करते? रुमाल का लेना, पहली बात तो विवादों का आगमन आपके जीवन में, झगड़ा होना जी, और झगड़ा आपके करीबियों से होना, वो आपका भाई ही क्यों ना हो, आपकी बहन ही क्यों ना हो, आपका मित्र ही क्यों ना हो, आपको रुमाल लेने से बचना चाहिए। वहीं रही बात कि आप कपड़ा अगर उसका पहन करके इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या फिर आप किसी जॉब में जा रहे हैं या कोई अच्छा कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में वो अगला व्यक्ति हो सकता है कि रोगी हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव उसके दिमाग में रहता हो, या नकारात्मकता से वो भरा पड़ा हो और सकारात्मकता उसके अंदर व्याप्त ही ना हो। ऐसे में ऐसे लोगों के वस्त्रों को पहन करके अगर आप जाते हैं तो इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और वो डाउन ही होता चला जाएगा। यानी आपके सामने बैठा हुआ अधिकारी जो है वो इंटरव्यू जब लेगा तो आपका कॉन्फिडेंस वहां पर शून्य होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऐसे में आपको दूसरे के वस्त्रों को धारण करने से बचना चाहिए जी। कई दफा देखा गया है कि दोस्तों में भी और भाई बहनों में भी, बहनों के बीच में भी एक दूसरे के इत्र का इस्तेमाल करने का एक चलन सा हो गया है, तो क्या हमें दूसरों का इत्र इस्तेमाल करना चाहिए? कविता जी, जहाँ तक रही बात इत्र वाली, तो परफ्यूम जैसे गिफ्ट में अगर आपको मिल रहा है तो गिफ्टेड परफ्यूम आप ला सकते हैं जी। लेकिन अगर किसी से आप परफ्यूम मांग करके ले आ रहे हैं और उसे जबरदस्ती लाना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छी खुशबू लग गई, पसंद आ गया, तो आपके जीवन में वहां विवाद होगा ही होगा, शत प्रतिशत होगा। क्योंकि आप दूसरे का इत्र लेकर के आना, यानी उसकी जिंदगी से आप अनैतिक चीज को, यानी कि ऐसी नेगेटिव चीजों को ला रहे हैं जो कि अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं, उसके जीवन की नकारात्मकता आपके जीवन में शामिल हो जाएगी, वो बेशक इत्र होगा। ऐसे में इत्रों का इस्तेमाल, किसी के परफ्यूम का इस्तेमाल ले करके, छीन करके और नहीं करना चाहिए। ऐसे में अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है तो इत्र आपको गिफ्टेड इत्र ले लेना चाहिए। अगर किसी का परफ्यूम आपको बहुत पसंद आ जाता है तो उसकी कीमत दे करके आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इत्र के कारण जो है पारिवारिक माहौल तो खराब ही होता है कहीं ना कहीं, तो ऐसे में आपको इत्र लेने से, गिफ्ट तो आप कर सकते हैं लेकिन किसी से अनैतिकता से आप इत्र की प्राप्ति न करें, जिससे आपके जीवन में तमाम प्रकार के एक ऐसे विहंगम योग बने
कि आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, आप अच्छी लाइफ अपना जी रहे हैं और उसमें एक ऐसा मोड़ आ जाए कि वो इत्र महकने के बजाय आपके जीवन में कहीं ना कहीं दुर्गंध व्याप्त कर दे। जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग दूसरों की चीज़ों का इस्तेमाल इतना करने लग जाते हैं कि वो उनकी वो उसे अपनी आदत बना लेते हैं और इसी आदत के चलते चलते वो दूसरों के जूते भी पहनने लगते हैं। तो क्या हमें दूसरों के पहने हुए जूते पहनने चाहिए? खास करके व्यक्ति अगर दूसरों के जूते को धारण करके अगर नौकरी व्यापार के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहा है या फिर वैसे ही एक नियमित रूप से उसको धारण कर रहा है दूसरों के जूतों को पहनना, तो यानी कि वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं रुकावटों का आमंत्रण दे रहा है। रुकावटों का आमंत्रण देने का मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी के उपानह जूते को चप्पल को अगर आप अनवरत रूप से धारण करके चलते हैं तो उस व्यक्ति के कार्य में शीघ्रता आएगी जिसका है, लेकिन जो धारण करके दूसरा व्यक्ति जा रहा है उसके कार्यों में रुकावटें आना शुरू हो जाएंगी, कहीं ना कहीं बाधाएं आना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में आपको दूसरों के जूतों से चप्पलों से बचना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में जो सही ढंग से सुचारू रूप से जो मार्ग चल रहे हैं वो मार्ग कहीं ना कहीं अवरुद्ध होने लगते हैं। जी, गिफ्ट में खासकर वॉच देना यानी कि घड़ी देने का जो चलन है मार्केट में बहुत ज़्यादा, बहुत ट्रेंडिंग भी है ये, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ गिफ्ट में अगर आपको घड़ी मिली है तो क्या हमें वो पहनना चाहिए? या फिर इसके एक दूसरा सवाल भी है, दूसरे की पहनी हुई घड़ी क्या पहनना ठीक है? अगर आप दूसरे की पहनी हुई घड़ी को धारण कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद सुखद संदेश नहीं है, उसका अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन अगर आपको गिफ्ट में घड़ी मिल रही है, खास करके महिला के द्वारा अगर प्राप्त कराई जा रही है, स्त्री के द्वारा दी जा रही है, तो आपके जीवन में एक गोल्डन पीरियड आने वाला है, एक अच्छा टाइम आने वाला है और उसका संकेत उस घड़ी के गिफ्ट से ही मिल जाता है। लेकिन अगर वो घड़ी किसी की है और वो रखी हुई घड़ी है या पैतृक घड़ी है, आपने अपने पिता की या फिर किसी की भी अपने पूर्वजों की रखी हुई घड़ी को आपने अपने जीवन में बांध लिया और उसको अपने हाथ में बांधने के बाद आप सोचते हैं कि नहीं वो उनकी यादों में है और एक अच्छा समय चलेगा, तो उस घड़ी में समय जरूर परिवर्तित होगा लेकिन आपके समय में बहुत सारे रोड़े आ जाएंगे। इसलिए गिफ्टेड घड़ी को जो है धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी दूसरे की पहनी हुई घड़ी को धारण करने से बचें, अन्यथा आपका जो सही समय चल रहा है वो एक अलग दिशा में चला जाएगा जिसकी खोज करने में आपको बहुत समय लग जाएगा। जी, इसके साथ बस आखिरी एक सवाल है, दूसरे का पेन दूसरे की कलम का इस्तेमाल क्या हमें करना चाहिए अपने कार्य क्षेत्र में? शास्त्रों में कविता जी कहा गया है, लेखनी पुस्तिका नारी पर हस्ते न दीयताम। अपनी पेन, जिस पेन से आप साइन करते हैं, जिस पेन से आपने संघर्ष किया है, ऐसी पेन किसी को आप जो है ना दें जिससे आपने अपना परिश्रम किया है, जो आपकी बहुत ज्यादा चहेती हो, तो उसको आप अपने पास ही रखें। वो बेशक उसमें स्याही इंक खत्म हो गई हो लेकिन फिर भी उसे अपने पास ही रखना चाहिए, उसे कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। दूसरा ये कि अगर मान लो पुस्तिका है, जिस पुस्तक से आप पढ़ करके, आजकल लोग पुस्तक को बेच देते हैं उठा करके या किसी को दे देते हैं, तो ऐसे में कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जो आपके जीवन के पथ को प्रदर्शित करती हैं, उन पुस्तकों को भी नहीं देना चाहिए। तो लेखनी और पुस्तिका वाली बात जहां तक रही बात कि आपके जीवन में ये दोनों विकास के मार्ग को कहीं ना कहीं बहुत अलग दिशा में लेकर के जाती हैं, तो ऐसे में अगर आप उस दशा तक पहुंच गए हैं तो दूसरे के जीवन में भी प्रकाश आए इस बौद्धिक क्षमता से आप उसे दे करके और पुनः वापस ले सकते हैं। लेकिन हमेशा के लिए अगर आप उसे दे रहे हैं तो आपके साथ निरर्थक कहीं ना कहीं ऐसे विवादास्पद माहौल तो खड़े ही होंगे, खासकर आप जिस पद पर कार्यरत होंगे, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उस पद पर कहीं ना कहीं विचाराहीन परिस्थिति बन जाएगी जिसके कारण से आपको दूसरे निर्णय लेने पड़ सकते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में दूसरे लोगों की चीज़ों पर अगर थोड़े बहुत डिपेंड रहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ध्यानपूर्वक दूसरों की चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए सोचेगा ज़रूर। मुझे और राजप्रोहित मधुर जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।